बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ भगवती के मंदिर में आने के लिए, दर्शन करने के लिए और कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद, आगे शेयर करेंगे, ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड के एक और नए पहाड़ी व्लॉग में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम है बुंखाल और जो लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग मेरे YouTube चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, तो उनको बता दूं कि मेरा गांव पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के खिरसू ब्लॉक में पड़ता है। खिरसू से हमारे गाँव की दूरी 15 किलोमीटर है। तो मेरे गांव में माँ बुंखाल भगवती का एक भव्य मंदिर है, आप सभी जानते ही होंगे। और भव्य मंदिर में जो है कि आने वाले कल यानी कि शनिवार को भव्य मेला लगने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ भगवती के जो है कि दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो इस छोटे से व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि माँ भगवती के मेले की क्या क्या तैयारियाँ हमारे गाँव में चल रही हैं। जैसे कि आप सभी को जानते होंगे कुछ लोग कि माँ भगवती के मेले के पहले दिन, एक दिन पहले, मलुंड गाँव जो हमारी एक ही ग्राम सभा है मलुंड गाँव, तो मलुंड गाँव से ढोल दमाव में लोग आते हैं और माता की जो है कि मंदिर की थाल की सफाई करते हैं, तो थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। इसके बारे में मैंने पिछले बार भी एक व्लॉग बनाया था, लेकिन एक नए व्लॉग में फिर से हम आपको बताएंगे। तो देखिए आप, माँ भगवती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। तो अभी हम लोग शिवालय के ठीक पीछे आ रखे हैं घूमने के लिए, और मेरे साथ यहाँ पे हैं दीपक भाई, और यहाँ पे अमन और मनीष भाई, और यहाँ पे परवीन। तो यहाँ पे जो है कि हमारी मरगांव वाली बुआ लोग भी जो है कि माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि उनकी माँ भगवती के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो कितने साल में आ रखे हो आप यहाँ? 6 महीने बाद हूँ मैं यहाँ। अच्छा, और आप माँ भगवती के? माँ भगवती के आशीर्वाद से हमारे जो सर्व संपन्न जो दिया उसने हमें, बस उसके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा। माता के यहाँ दर्शन करने आना जरूर आप लोगों को, है ना। अच्छा। और आप बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, माता के प्रति इतनी श्रद्धा है, भले हमारे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते पर उसके भरोसे हम यहाँ आते हैं, वो हमेशा हमारा इंतजार करती है हमारे बच्चे हम पे आएंगे। सही बात है। और ये मेरा बेटा है, उसको मैं स्पेशली सिखाना चाहती हूँ कि हाँ हमारी गढ़वाल संस्कृति क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ भगवती के मंदिर में आने के लिए, दर्शन करने के लिए और कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद, आगे शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने माँ बुंखाल भगवती के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। अभी मैं आपको एक और जो है कि हमारी आंटी हैं उनसे मिलाने वाला हूँ। तो जो है कि आंटी लोग थैलीसैंण से आए हैं और उनका यहाँ पे कल माँ भगवती के मेले में भंडारा है, तो उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो दोस्तों जो है कि ताई लोगों का कल जो है कि फल वाला भंडारा है, देखिए फल वाला भंडारा, और थैलीसैंण से यहाँ एक दिन पहले आ चुके हैं। अच्छा, थैलीसैंण आपका गाँव है? तो देखिए उनका गांव जो है कि थैलीसैंण में है और रहने वाले वो हैं चंडीगढ़ के। तो उनसे जानते हैं कि उनकी माँ भगवती के प्रति कितनी आस्था है। अच्छा, तो माँ भगवती को कितना मानते हो आप? हम बहुत मानते हैं, बेटा उसी ने दे रखा है, मेरा बेटा उसी। कितने माता ने दिया? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो एक ही लड़का है, एक बेटी है ना। अच्छा। और पोते हैं मेरे दो। अच्छा, इसी माता ने दिया वो पुत्र मेरे। अच्छा, पिछली बार भी था यहाँ पे एक ही भंडारा? अच्छा, तो देखिए दोस्तों पिछली बार भी जो है कि आंटी लोगों का ही भंडारा था। तो देखिए जो दोस्तों जो है कि आंटी लोगों ने यहाँ पे देखिए भंडारे में कितने सारे फल जो है कि श्रद्धालुओं के लिए लाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा केले से भर रखा है आधा खेत, और यहाँ पे देखिए कितने सारे संतरे हैं। तो यहाँ पे जो है कि एक और दीदी जी हैं जो है कि हमारे सामने चोपड़ा वाले गांव से आई हैं माँ भगवती का आशीर्वाद लेने। आइए उनसे भी जानते हैं कि उनकी माँ भगवती के प्रति कितनी श्रद्धा है। चलो सिपे जमा होती बार कल बुंखाल मेले में, बुंखाल मेले में आएगा, बहुत अच्छा मंदिर बना दिया अब, और इस माता का आशीर्वाद सबको मिले। यहाँ पे हमारे एक और छोटे भाई दोस्त भी हम इन्हें कह सकते हैं, इनका भी एक YouTube पे चैनल है, अपने चैनल का भी नाम बताइए। मयंक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बुंखाल गाँव में। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर धन सिंह रावत और प्रीतम भटवाण जी के लिए जो है कि स्टेज पूरा तैयार हो चुका है, और यहाँ पे जो है कि डांस का जो मतलब नृत्य करते हैं उनका जो है कि तैयार होने के लिए यहाँ पे कैंप भी बनाया गया है, ये देखिए। और स्टेज को कुछ इस प्रकार से सजाया गया है, और मेरे गांव की परियाँ स्टेज में पहले ही पहुँच गई हैं, और इन परियों के साथ एक छोटी सी परी और भी है। इस परी, अच्छा ये शहजादा है मम्मी का, इस शहजादे का नाम क्या है? राघव। अच्छा राघव, हेलो हेलो कर भैया से। हेलो,
माँ मिला हुआ। तो ये देखिए भाई, ये है स्टेज और यहाँ से देखिए माँ बुंखाल भगवती का मंदिर आपको ठीक सामने दिखेगा और यहाँ पे दिखेंगे आपको कल नृत्य करते हुए लोग। अरे तो हमारे खास मित्र रिंकू गोदियाल जी पहुंच चुके हैं, तो बड़े भाई और मित्र को सगाई की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका तहे दिल से। हेलो 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेले के लिए कारीगर भाई लोग भी आ चुके हैं, जलेबी की दुकान लेके, कोई देखिए मिठाई की दुकान लेके आए हैं। तो भैया कहाँ कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर। अच्छा, और आप? सहारनपुर। और आप भी? फूसगढ़। इससे पहले गौचर मेले में गए थे? हाँ जी, गौचर गए थे। अच्छा, यहाँ तो गौचर से बड़ा मेला लगता है। हाँ ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दुकानदारों का जो है कि आने का सिलसिला कल से शुरू हो गया था और कल से यहाँ पे जो है कि दुकानें लग गई थी और अभी ये लोग जो है कि अपनी जो है कि जलेबी पीठे वगैरह वगैरह की दुकान लगाने वाले हैं और कल मेले में उस सबको बेचेंगे। तो देखिए हमारे पूरे खेत में सारी दुकानें लग चुकी हैं और एक देखिए वहाँ पे जिसमें जो है कि स्प्रिंग होता है और छोटे बच्चे इसमें उछलते हैं, कहाँ लगा रखी उसने दुकान। पार्टी होते हुए चौमिन पार्टी फ्रॉम मनीष भाई, इसकी शक्ल भी नहीं। अभी जो है कि मनीष भाई की यहाँ पे पार्टी चल रही है, चौमिन पार्टी मेरे लिए, परवीन के लिए और यहाँ पे मेघा के लिए। और चाची लोग भी जो है कि मेले के लिए पहुँच चुके हैं गाँव। तो चाचा जी ने जो है कि हमें बहुत टेस्टी चौमिन खिलाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो है कि कल मेले के दिन यहाँ पे हमारे चाचा की दुकान में चौमिन खाने के लिए जरूर जरूर आना। तो देखिए भैया भी आ रखे हैं। भैया आप कहाँ से आ रखे हैं? तो आप जो है कि हमारे चाचा की दुकान में कल जरूर जरूर आना। ब्रेड पकौड़। तो दोस्तों देखा आपने माँ भगवती के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। आज मैंने आपको जो है कि काफी श्रद्धालुओं से आपकी मुलाकात करवाई और यहाँ पे हमारे चाचा जी की दुकान है। वैसे तो हमारे गांव में सभी चाचा लोगों की दुकानें हैं, तो आप जरूर आना। यहाँ पीछे पे देखिए, ठीक वहाँ पे चौरी खाल से ठीक ऊपर एक बार जरूर आना।